नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 24 फीट बाई 56 फीट के किराए के लिए घर के नक्शे के बारे में। अगर आपके प्लॉट का साइज भी 24 फीट बाई 56 फीट का है और आप ये रेंट पर्पज़ से बनाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। इस नक्शे में हमने चार रेंट रूम निकाले हुए हैं अटैच किचन टॉयलेट के साथ, और फ्रंट में एक दुकान निकाला हुआ है, और साथ के साथ यहाँ पे पार्किंग का स्पेस भी हमने दिया हुआ है। जिनको भी आप रेंट पे कमरा दोगे तो पार्किंग वगैरह पार्किंग का स्पेस उनको मिल जाएगा, और स्टेयर केस को भी हमने फ्रंट में रखा हुआ है। अगर आपका आपको ऊपर के कमरे भी रेंट पे बनाने होंगे तो भी आप जैसा सेम प्लान है वैसा ही आप बना सकते हैं, और अगर आपको ऊपर का अपने लिए खुद के लिए डिज़ाइन करना होगा तो वो भी यहाँ पर बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर प्लान को दिखाया हुआ है, तो डिटेल में बात करेंगे। पूरा मेज़रमेंट मैंने इसमें डाला हुआ है, ठीक है। आपको जो फॉन्ट है उसको भी बड़ा रखा हुआ है ताकि आपको यहाँ पे सारा डायमेंशन अच्छे से दिख जाए। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मेन गेट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा मेन गेट लगेगा। यहाँ पर यहाँ से हमारा जैसे एंटर करेंगे तो देखेंगे आपके यहाँ पर स्टेयर केस को मैंने आउटर रखा हुआ है, तो यहाँ से हम ऊपर चढ़ना स्टार्ट करेंगे और अपने फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच जाएंगे। यहीं पर आप देखेंगे कि आपको बाइक पार्किंग का स्पेस मिल जाएगा, ठीक है। आराम से आपके यहाँ पे काफ़ी 5 से 6 बाइक आपकी पार्क हो जाएगी। ये जो एरिया आप देख रहे हैं जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर स्टेयर केस के नीचे आपकी बाइक्स वगैरह आ जाएंगी। यहाँ से हम ऊपर चढ़ना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको 8 फीट की हाइट मिल जाएगी। ये पोर्च एरिया है आपका, इसको आप देख सकते हैं 12 फिट 6 इंच बाई 13 फिट 4.5 इंच का ये आपको पोर्च एरिया मिलेगा। यहीं पर आप देखेंगे कि हमने फ्रंट में एक दुकान भी दिया हुआ है, और साइज आप देख सकते हैं दुकान का 10 फिट बाई 13 फिट 4.5 इंच का है, ठीक है। यहाँ पर बैक साइड में आप देख सकते हैं ये साइड इसका फ्रंट है, यहाँ पे रोड था, ठीक है। तो मैंने इसको हॉरिजॉन्टल किया हुआ है मैप को ताकि आपको सारा मेजरमेंट दिखाई दे जाए, पर आप ये याद रख ये ध्यान रखें कि यहाँ पर आपका रोड जो है वो यहाँ पे है जहाँ पे मैंने अभी मार्क किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वेंटिलेशन के लिए 2 फीट का स्पेस छोड़ा हुआ है ताकि किचन टॉयलेट का वेंटिलेशन हो जाए। और अगर आपको यहाँ पे जाने का रास्ता चाहिए तो यहाँ शॉप से आप एक डोर लगा सकते हैं, कभी आपको सफाई वगैरह के लिए जाना होगा तो यहाँ पर जा सकते हैं। टोटल इसमें 4 सेट हमने दिए हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारा गैलरी है, और गैलरी या फिर पैसेज आप बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे साइज आप देख सकते हैं इस पैसेज का 3 फिट 6 इंच हमने रखा हुआ है। यहाँ पे पार्टीशन वॉल देने के बाद है ये, ठीक है। बाउंड्री वॉल देने के बाद जो अंदर का क्लियर स्पेस बचेगा वो 3 फिट 6 इंच बचेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सेट ये हो गया, और एक सेट हमारा ये हो गया, एक सेट ये हो गया, एक सेट ये हो गया। किसी एक सेट के बारे में बात कर लेते हैं, सबका डायमेंशन, सबका किचन टॉयलेट का साइज़ सबका सेम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसके साथ आपको एक बेडरूम दे दिया जा रहा है 11 बाई 10 का, अटैच टॉयलेट 6 बाई 4 फिट 7.5 इंच का, और किचन, ठीक है, 6 बाई 5 का। वेंटिलेशन आप देख सकते हैं बेडरूम को ही प्रॉपर वेंटिलेशन मिल रहा है, किचन टॉयलेट को ही वेंटिलेशन प्रॉपर मिल रहा है। और पाइप वगैरह जो आपके सीवर पाइप है या फिर आपका रेन वाटर पाइप है वो आपका इस पीछे 2 फिट में नीचे आएगा, आपका पाइप मतलब सेपरेट रहेगा, कोई भी पाइप आपका वॉल के अंदर से नहीं इंक्लूड नहीं होगा। तो आप डायरेक्ट अपना ये जो पैसेज छोड़ा हुआ है 2 फिट का पीछे, यहाँ से अपना पाइप को नीचे उतार सकते हैं आप, ठीक है। बाकी जो आपका सेप्टिक टैंक वगैरह है वो आप बना सकते हैं, यहाँ पोर्च के आसपास बना सकते हैं। और बाकी जो एरिया आपके पास पूरा बचा हुआ है 3 फिट 6 इंच पैसेज का, तो यहाँ पे भी आप अपना आपका बाइक वगैरह पार्क हो सकता है, और यहाँ पे भी आप अपना जो है सेप्टिक टैंक सॉकपिट वगैरह यहाँ पे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा है, प्लान अच्छा लगा है, तो वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए थे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हम डिज़ाइन हाउस प्लान आपके लिए यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। धन्यवाद।